मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जंगली जानवरों और पक्षियों की तस्करी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 16 कछुए और 5 जंगली तोते बरामद किया गया है। ठाणे वन विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। ठाणे वन विभाग को जानकारी मिली थी कि मुंबई के मलाड और क्रॉफर्ड मार्केट में इनकी बिक्री करने के लिए लाया जा रहा है, जिसके बाद यहां पर जाल बिछाकर इन चार आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है प्रमोद, शाकिर, राशिद और दीपक। इनके पास से वन विभाग ने 16 कछुए और 5 जंगली तोता बरामद किए। दिनांक 22/12/2022 को मालाड ईस्ट में आरोपी प्रमोद शिवसूरत पाल, इनके शॉप पे वन विभाग की टीम, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी और मानद वन्यजीव संरक्षक, इन लोगों के साथ हम लोगों ने धाड़ डाली और वो उसके यहाँ पे 7 स्टार टर्टल और एक पैराकिट उसके यहाँ पे मिला। और उसके जानकारी पे वो उसने जहाँ से खरीदी किए थे उसके हिसाब से हम लोग ने क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई में रेट डाली और वहाँ पे हमको स्पॉटेड टर्टल 7 और 9 पैरट्स मिले हैं। सर, ये जो आरोपी गिरफ्तार करना है, इनका बैकग्राउंड क्या है? पहले भी इस तरह के गुनाह कर चुके और इसके पहले भी ये लोग शायद करते होंगे, क्योंकि उनके शॉप में हमें ये सब मिले हैं। सर, आरोपी को कितने दिन की कस्टडी मिली? अभी आज हम कोर्ट में उनको पेशी करेंगे, उसके बाद ही कोर्ट जो करेगा या जामीन या फिर जो होगा उनको। लोगों को क्या आह्वान रहेगा आपकी तरफ से? लोगों को यही आह्वान करूंगा कि अगर कोई ऐसे टर्टल या फिर कुछ वाइल्ड एनिमल पालते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर में को बहुत सारी संपत्ति इसके वजह से बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधश्रद्धा है। और अगर आप कोई भी वाइल्ड एनिमल पालोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई होगी।